他有杯子上。अरे एक एक और एक और चीज़ होगी मैं आपको दे देता हूँ गाइड बुक अच्छा ये आपको यहाँ पे कंपलसरी रखना है ठीक है उसके बाद फिर ये प्लेट लगानी है कंपलसरी रहेगा ये कंपलसरी रहेगा यहाँ पे ठीक है ये पॉइंट्स में बैठना चाहिए बस इतना ही ये आपका ग्रिलिंग के लिए है ग्रिलिंग के लिए कोई भी चीज आप ग्रिल कर रहे हैं ब्रेड ग्रिल कर रहे हैं एनीथिंग जो भी ग्रिल करना है आप इसके ऊपर रख सकते हैं दोनों भी रख सकते हैं सिंगल चाहिए तो आप सिंगल भी रख सकते हैं ठीक है फॉर यूज ओनली फॉर ग्रिल ये बिस्किट नान खटाई के लिए है बिस्किट बनाना है नान खटाई बनाना है पिज्जा बनाना है तो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं कोई भी चीज आपको गर्म करनी है ये बाउल यूज करना है आपको स्टील एल्युमिनियम नहीं डालना है ठीक है आपको कोई भी चीज़ गर्म करने के लिए यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन दबाना है स्टार्ट का इसमें आपको 30 सेकंड का टाइम मिल जाएगा ठीक है 30 सेकंड में आपको कंफर्टेबल नहीं है आपको और ज़्यादा गर्म करना है तो आप इसको टाइमिंग को यहाँ से बढ़ा सकते हैं नीचे के नॉब से इसमें दो नॉब्स हैं नीचे के नॉब से बढ़ा सकते हैं रनिंग कंडीशन में और कम भी कर सकते हैं ठीक है बीच में ही आपको लग रहा है कि वो गरम ज़्यादा हो गया मुझे बंद करना है तो स्टॉप बटन दबाइए सेकेंड टाइम दबाएंगे तो स्टॉप कैंसिल हो जाएगा ठीक है अभी आप ओपन करके देख सकते हैं इसमें ग्लव्स वगैरह की जरूरत नहीं है ना देखिए ना पानी हीट हो गया है थोड़ा सा उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लॉक का दिया हुआ है क्लॉक का बटन बट ये अनयूज्ड है जैसे आपको सेट करना है अभी टाइम कितना हो रहा है 2:55 क्लॉक दबाना है 12 आवर सेलेक्ट 2 सेलेक्ट 55 सेलेक्ट ये सेट हो गया बट आपका बटन ऑफ होगा ऑन होगा तो वो 12 क्लॉक से ही चालू होगा मतलब 12 बजे से ही चालू होगा बंद हो गया जब भी आप ऑन करेंगे वो 12 बजे से ही चालू होगा आपका तो पूरा लाइट वापस रिपीट लेगा रिपीट लेगा वो आपको अनयूज्ड है टाइमर सेट करने का ठीक है यहाँ पे ये टाइमर सेट आपने 255 किया तो उसमें वो टाइम है घड़ी है घड़ी है आपको यूज नहीं है उतना ठीक है ये स्मेल निकालने के लिए 5 मिनट के लिए इतने पानी में आपको आधा नींबू डालना है कोई चीज़ बनाया आपने उसकी स्मेल आती है तो वो स्मेल निकालने के लिए ये डिओड्राइजेशन है सिंपल दिख रहा है आपको सिंपल दिख रहा है आपको सिर्फ उतने पानी में आधा नींबू डालना है और ये बटन दबाना है 5 मिनट का टाइम और चालू हो जाएगा स्मेल निकालने के लिए दरवाजे वगैरह कुछ भी खुला नहीं कुछ भी नहीं दरवाजा खुला रहेगा तो स्टार्ट नहीं होगा ये आपको समझ में आया अभी आपका यहाँ पे कीप वार्म है वार्म करना है आपको तो आप इसमें टाइमिंग लगा के स्टार्ट कर सकते हैं कितना वार्म करना है कितना मिनट जैसे हम लोग हाँ वाटर वार्म करना है आपको कीप वार्म करना है उसके लिए तो वो जो पहले आपने बताया था जो पानी गरम करने के लिए वो भी है ये अलग से दिया हुआ है ये आपको डायरेक्ट गरम करने के लिए यूज करना है ये वार्मिंग के लिए है उसके बाद में यहाँ डिफ्रॉस्ट दिया हुआ है डिफ्रॉस्ट मीन्स यहाँ से आपको वो लिस्ट पढ़नी है पावर डिफ्रॉस्ट दिख रहा है वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ ठीक है हाँ मैं वो आपको लास्ट में बता देता हूँ क्या चीज़ है वो कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ
अभी आपका मैनुअली यहाँ से पूरा फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये कैंसिल किया मैंने सब कुछ, यहाँ पे ऑटो कुक के लिए भी है और मैनुअली है ये इतना। राइट हैंड साइड ऑटो कुक है, लेफ्ट हैंड साइड मैनुअली कुक है, ठीक है। आपको यहाँ पे मैं मैनुअली नीचे से बताता हूँ एक एक, यहाँ से ये है माइक्रोवेव। आपको इडली बनानी है, पोहा बनाना है, फॉर एग्जांपल चाय बनानी है, ठीक है, तो आप माइक्रोवेव में पकाएंगे उसको। राइस बनानी है तो माइक्रोवेव में, दो लोगों की चाय 4 से 5 मिनट में हो जाती है। पानी, चाय, दूध, चाय पत्ती सब डाल के आपको माइक्रोवेव लेना है और यहाँ से टाइम लेना है। पहले आपको ये माइक्रोवेव सेट करना है, फिर यहाँ से टाइम लेना है, सेलेक्ट टाइम 4 मिनट स्टार्ट। ये समझ में आया आपको? फॉर एग्जाम्पल राइस बनाना है आपको, सेम माइक्रोवेव सेलेक्ट 12 मिनट, 12 मिनट में, 12 से 15 मिनट में दो लोगों का राइस हो जाता है। वो राइस के ऊपर भी टाइमिंग डिपेंड करता है, कोई राइस जल्दी बन जाता है, कोई राइस लेट में बनता है। वो राइस में आपको दो लोगों का मतलब आप थोड़ा ज्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, वो टाइम आपको अपने घर के हिसाब से सेट करना पड़ेगा कि हम कितना खाते हैं वो हिसाब से। तो आपको यहाँ पे 12 से 15 मिनट में दो लोगों का राइस हो जाता है, स्टार्ट करना है आपको सिर्फ, वो 15 मिनट में बंद हो जाएगा। ये समझ में आया आपको माइक्रोवेव? कोई भी चीज पकानी है आपको तो माइक्रोवेव में। यहाँ पे ऊपर है ग्रिल, यहाँ पे सेलेक्ट करना है ग्रिल। ग्रिल के बाद टाइमिंग लेना है सीधा, कोई भी चीज ग्रिल करनी है तो उसमें टाइमिंग, उसमें डिग्री वैट वगैरह नहीं है, आपको सीधा टाइमिंग लेना है और स्टार्ट करना है। पिज्जा ग्रिल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, 10 मिनट भी लगता है उसमें, तो 10 मिनट का टाइम लगा के आप पिज्जा ग्रिल कर सकते हैं। समझ में आया आपको? हाँ। और इसमें बाय चांस हमने 10 मिनट का ग्रिल लगा तो जलेगा नहीं ना? मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको कॉम्बी मिलेगा। कॉम्बी मीन्स माइक्रो प्लस ग्रिल, ओके। थर्ड नंबर है माइक्रो प्लस ग्रिल, तो यहाँ पे दो फंक्शन एक साथ में चलेगा, माइक्रो प्लस ग्रिल। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, माइक्रो का आ गया 600 वैट, सेलेक्ट करना है, उसके बाद में टाइमिंग लेना है और स्टार्ट करना है। तो दो फंक्शंस एक साथ में चलेंगे। इसमें आप पिज्ज़ा भी कर सकते हैं, पिज्ज़ा करने के लिए कभी कभी पिज्ज़ा बनाना भी है और ग्रिलिंग भी साथ में चाहिए तो आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड नंबर पे आएगा कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन में आप बेकिंग के आइटम बना सकते हैं। बेकिंग बोले तो आपको केक बनाना है, बिस्किट बनानी है, नान खटाई बनानी है, वो चीजें इसके अंदर बनेंगी। तो उसके पहले आपको ये बॉडी हीट करना पड़ता है। बॉडी हीटिंग के लिए यहाँ पे फास्ट प्री हीट दिया हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर पहले डालना है और स्टार्ट बटन दबाना है, तो ये 5 मिनट तक का आपका बॉडी हीट करेगा। हीट करने के बाद ये बंद हो जाएगा 5 मिनट के बाद। उसके बाद में आपको कन्वेक्शन लेना है। कन्वेक्शन लेने के बाद में आपको सेलेक्ट बटन दबाना है और टाइम लेना है 30 मिनट 25 मिनट, वो आपके केक और बिस्किट पे डिपेंडेड है कि कितना टाइम लगेगा। उसके बाद में आपको 30 लिया समझो आपने, स्टार्ट दबाना है। ये इतने देर में बंद हो जाएगा। ये आपको समझ में आया यहां तक? एक कॉम्बी और है आपको, माइक्रो प्लस कन्वेक्शन, मतलब आपको पकाना भी है और कन्वेक्शन मतलब बेकिंग भी करना है साथ में, तभी आपको यहां पे सेंट में लगाना है। माइक्रो प्लस कन्वेक्शन सेलेक्ट करना है, टाइमिंग लेना है, डिग्री कम करना है तो कर सकते हैं सेलेक्ट, जो यहाँ पे सेल्सियस दिख रहा है, ठीक है, टाइमिंग और स्टार्ट। और एक बार दबाएंगे तो डिग्री का आ जाएगा।
फिर आपको फास्ट प्री हीट बता चुका हूँ मैं, ऑटो कुक में ऑटो कुक रीहीट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से आपको नंबर चॉइस करना पड़ेगा, इसमें नॉन वेज भी है वेज भी है, तो यहाँ पे आपको समझ में आता है तो ऑटो कुक में मटेरियल रेडी करके रख के आपको नंबर सेलेक्ट करके दबाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, एक रोटी नान का यहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है, स्लिम फ्राई का सेपरेट दिया हुआ है, स्लिम फ्राई रोटी नान कट डॉप प्रूफ में आपको पिज्ज़ा डो, मतलब उसकी रोटी बनानी है पिज्ज़ा डो वगैरह, केक डो, ब्रेड डो ये बनाना है आपको, तो इसके अंदर है आपका, ठीक है। इंडियन रेसिपी यहाँ पे है, इंडियन रेसिपी में आपको सूप स्नैक्स बनाना है यहाँ पे दिया हुआ है, जो भी बनाना है आपको नंबर्स लगाने हैं, जैसे आप इंडियन रेसिपी पे डालेंगे तो यहाँ नंबर आ जाएगा, आपको फिर नंबर सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट स्टार्ट 9 नंबर, ऑटोमेटिक टाइम हो जाएगा, ऑटोमेटिक टाइम लेगा ये, ठीक है। यहाँ पे आपका एक पावर डिफ्रॉस्ट रह गया था, पावर डिफ्रॉस्ट आपको फ्रिज से अपने फ्रूट निकाला, ब्रेड निकाला, या फ्रूट ब्रेड ही है उसमें, मतलब नॉन वेज में, वो उसकी ठंडक मतलब कूल ख़त्म करना है, डिफ्रॉस्ट करना है, तो आप इसको 4th नंबर या 5 नंबर लगा सकते हैं, पावर डिफ्रॉस्ट 4th नंबर और सेलेक्ट। अभी आपसे ग्राम पूछ रहे हैं, देखिए जी लिखा हुआ है, ग्राम पूछ रहा है ग्राम कितना है, तो एक अंदाज से आपको ग्राम डालना है, फ्रूट है फॉर एग्जाम्पल 250 ग्राम्स है या 300 ग्राम्स है, 250 ग्राम्स है स्टार्ट करना है, तो वो 250 ग्राम्स का टाइमिंग सेट कर लेगा, ठीक है। पापड़ है आपके पास? हाँ पापड़ दीजिए, वाटर हीट हो चुका है देख सकते हैं, थोड़ा आड़ा सा पापड़ है आपके पास, इसमें पकड़ की जरूरत नहीं ना, ऐसे हाथ से उठा सकते हैं, पापड़ करने के लिए आपको सिर्फ 30 सेकंड का बटन दबाना है, 30 सेकंड ओनली फॉर स्टार्ट बटन, स्टार्ट अच्छा वो मिनिमम 30 सेकंड, मिनिमम 30 सेकंड में देखिए होता है या नहीं होता है, फिर उसके बाद में आप ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके घर का पापड़ है, आपको मालूम है इतने टाइम में होता है, तो नेक्स्ट टाइम आप उतना ही लगाएंगे, ऑयल फ्री। ये फ्राई हो रहा है पापड़ नहीं, फ्राई करना रहेगा आपको तो ऑयल लगाना पड़ेगा ब्रश से, नहीं हुआ थोड़ा सा और फिर से दबाइए और टाइम कम करिए अभी नॉब से और थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए, हाँ बस बस बस, पापड़ बड़ा है ना, क्यों नहीं हो रहा है मैं बताता हूँ आपको, कभी भी सिंगल पापड़ रहेगा ना तो सेंटर में मत रखिए उसको, थोड़ा सा इधर करिए, वो सेंटर का नहीं हो रहा है, थोड़ा साइड करिए ना उसको, गर्म नहीं है, हाँ बस 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 बस, सेंटर में पापड़ नहीं होता है, थोड़ा कच्चा रह जाता है, हो गया। ओपन करके देखिए, अरे लगा रहे हो गया पापड़, दूसरा करना है बाद में करते हैं, सेंटर से हटा के बस बस एक वो साइड में, वो साइड में रखिए ना, तीन चार भी रख सकते हैं, साथ में रख सकते हैं, हाँ 1 मिनट का टाइम डालिए, 2 बार दबाइए उसको, इसको हाँ हो गया, हर टाइम दबाएंगे 30 सेकंड प्लस होता जाएगा, स्टार्ट ही करना है ना, उसमें 30 सेकंड का टाइम दिया हुआ है, इसमें मतलब इसमें मतलब आपको फंक्शन में नहीं जाना है, डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा,
जब कुछ चीज कैंसिल करनी है तो स्टॉप करके और वापस से बटन दबाना है। और ये जो सिलेक्ट वाला है ना वो जरा मुझे सिलेक्ट जो है ये तो दबा हुआ है वो बता देता हूँ। बाकी तो ये लोड में लोड बंद आता है ये तो फूड प्रोसेसर में इसमें आटा बंद आटा गूंथ सकते हैं हमारा रोटी बंद है ना रोटी मेकिंग है उसमें हमारी है ना हवा लगने दो वो बराबर हो जाएगा। और जैसे चालू है और अपने को कुछ सामान निकालना है चालू में अपन निकाल सकते हैं ना इसको ठंडा नहीं कर सकते ये किचिया अच्छे से हो जाती है पतला होता है ना एकदम और गेहूं होता है। देखिए कच्ची है क्या टाइम थोड़ा और लगाना पड़ेगा देखिए उठा के कोई इश्यू नहीं है नहीं हाँ बाकी है सेकाने नहीं गया उसे सेक देखा तो नहीं तो बाकी है देख लो अच्छे से बाकी है लगाइए फिर से 15 सेकंड लगाइए दबा दीजिए कम करिए उसको हाँ बस आठ छोड़ दीजिए तो अगर ये बाई चांस 30 सेकंड में रखा तो वो जलेगा नहीं ना गर्म होगा जलेगा ब्लैक हो जाएगा जल जाएगा मुझे काचो लागल काचो नहीं बराबर तैयार बराबर।